नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं 30 ऐसे विलोम शब्द जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आगामी एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने की संभावना है। तो बच्चों, ये 30 विलोम शब्द से पहले मैंने बहुत सारे वीडियो व्याकरण के ऊपर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग एक बार जरूर विजिट करें, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और एक छोटी सी न्यूज दूंगा मैं एक अकेडमी में एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, जहां मैं आपके लिए बनाता हूँ फ्री कोर्सेज। अभी तक आपने वो सारे कोर्सेज नहीं देखे हैं, अनअकैडमी मुझे सपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का लिंक दिया हुआ है, वहां से मुझे अनअकैडमी में आप लोग जरूर विजिट करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है कम दिया हुआ है, श्रेष्ठ दिया है और अधम दिया है और छोटा दिया हुआ है। देखिए, उत्तम उत्तम का मतलब खुद ही श्रेष्ठ होता है। उत्तम का मतलब क्या होता है? खुद ही श्रेष्ठ होता है। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला, उद्धत का विलोम शब्द क्या है? तो यहां पर बच्चों इसका विलोम शब्द होगा विनित। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीक्ष्ण तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र होगा, कुंठ होगा, मंद होगा या क्षीण होगा? तो आप सभी को बताया इसका राइट आंसर मंद। और अगला चले हम यहाँ पे अदान। अदान का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर त्याग दिया है, तीव्र दिया है, ग्रहण दिया हुआ है और प्रदान दिया हुआ है। तो बच्चों राइट आंसर आपके सामने है प्रदान। नेक्स्ट आपके सामने निंदा का विलोम शब्द। हर्ष होगा, स्तुति होगा, पर निंदा होगा या भलाई होगा? तो निंदा जो है इसका जो विलोम शब्द है वो होगा स्तुति। क्वेश्चन नंबर सिक्स, साक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, ए बी तो हो नहीं सकता, तो सी भी नहीं हो, डी भी नहीं होगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका? सी होगा। इज दैट क्लियर? अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सेवन, देखिए अग्र का मीन्स आगे होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? पश्च। पश्च का क्या हो जाता है बच्चों? पीछे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ का विलोम शब्द क्या है? भीड़ है, व्यक्ति है, समष्टि है या समाज है? तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाता है वो बी, सॉरी सी इज राइट आंसर, एट का। ए में चलते हैं हम, यहाँ पे नूतन का विलोम क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, थिंक आपको ही करना है यहाँ पर। तो नूतन का विलोम शब्द ए होगा, पुरातन। और फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट वाला है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी बन चुका है। आपको बता दूं 2017 में जो परीक्षाएं हुई थी उनमें बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की आने की। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का दसवें नंबर का, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। रिमेंबर दैट। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? सभी बच्चों को पता है यहाँ पर नास्तिक होता है इसका विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विलोम शब्द बी होगा आपका राइट आंसर। और चार ऑप्शन बच्चों आप थिंक करेंगे, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट करके जाना कि सर हमारा ये स्कोर रहा, हमने इतना कमेंट किया हुआ है। संपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? निर्धन होगा, धन होगा, विपन्न होगा या विपत्ति होगा? तो संपत्ति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विपत्ति। 14 नंबर में रख लेते हैं। चलिए, आपको कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कृतज्ञ, इसका विलोम शब्द ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर रख लेता हूं, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? दिन होगा, उजाला होगा, प्रकाश होगा या चांदनी होगी? तो 15वें नंबर का आप देखेंगे तो अंधकार का होता है प्रकाश। अगला, दिवस का विलोम शब्द क्या होगा? रात होगा, रात्रि, अंधकार या रजनी? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा रात्रि, दिवस का रात्रि। इज इट क्लियर? क्योंकि यहां पर दिन लिखा हुआ होता तो रात लेते हम, इसलिए हमें रात्रि लिया हुआ है। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान का 17वें नंबर का क्वेश्चन, डी राइट आंसर होगा पतन। और 18 नंबर का अगर हम देखें, आशा का विलोम शब्द क्या होगा? आशा आपको समझता है जैसे किसी चीज की होप रहती है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? बी निराशा। इज इट क्लियर? आरोही का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये तो एक प्रकार का मैथ्स का ही है, तो वो होगा अवरोही। ए राइट आंसर होगा आपके पास अवरोही। नोट डाउन करते हुए चलेंगे, और इसका पीडीएफ मैं देने वाला हूं,
और जिन भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, बता दूं आप सभी बच्चे टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को खत्म होते ही मैं आप सभी को पीडीएफ इसका फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। प्रोसेस क्या है, आपको सिंपली टेलीग्राम के लिए प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पर उसकी सर्च बार में @आशीष सर सर्च करनी है और वहां पे जुड़ जाना है टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि वहां मिलेगी इसका आपको फ्री में पीडीएफ। तो बच्चों यहां पर टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। समास, समास का विलोम शब्द क्या है, 20 नंबर का क्वेश्चन। तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो सी राइट आंसर होगा यहां पर, व्यास। और 21 नंबर के क्वेश्चन में रख लू आपको मैं, 21। तो यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम क्या होगा, तो यथार्थ का विलोम होता है ए आदर्श। शाश्वत, शाश्वत का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22। और चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं जो आपको थिंक करना है मेरे साथ साथ। यहां पूछा जा रहा है शाश्वत का विलोम शब्द, तो वो बी होगा आपका राइट आंसर। 23 नंबर में रख लेते हैं। और बच्चों ये चुने हुए कुछ हैं, आपको बता दिया जाएगा ये चुने हुए हैं, ऐसा ना सोचिए आप कि जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो है। कुटिल, कुटिल का विलोम शब्द क्या है, 23 नंबर का प्रश्न। तो ए है सरल। शुक्ल का विलोम शब्द क्या है, शुक्ल का विलोम शब्द 24 नंबर का प्रश्न, वो है कृष्णा। शुक्ल का विलोम शब्द 25 नंबर के क्वेश्चन में रख लेते हैं हम यहां पर। अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा, आई थिंक कुछ विलोम शब्द आपके लिए नए लगेंगे यहां पर। तो यहां पर अंतरंग का जो सी है वो सही होगा यहां पर, वाही रंग। जीवन का विलोम शब्द क्या होगा, यहां दिया हुआ है आपको जीवन का विलोम शब्द। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मरण कह रहे होंगे और बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे मरण ही होगा, जीवन का। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, उत्कृष्ट का विलोम शब्द राइट आंसर 27 का आपको मिल जाता है, सी इज द राइट आंसर, उत्कृष्ट का। आदमी का विलोम शब्द क्या होगा, 28 नंबर का, सभी को पता है सी इज द राइट आंसर, औरत। राजा का विलोम शब्द क्या होगा, रानी का तो ऑप्शन नहीं दिया है इसमें तो आप लोग लगा नहीं पाएंगे। राजा का उल्टा होता है प्रजा, क्या होता है प्रजा। नेक्स्ट रख लू आपको, तो ये मिलता है आपको अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, 30 नंबर का है ये, सी, सी इज द राइट आंसर होगा इसका, जो अल्पज्ञ का है। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आपको बता दूं जो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, और 20 ऐसे प्रश्न थे जो आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बनते हैं ये क्वेश्चन, और इनका सिलेक्शन हुआ है कुछ अलग अलग बुकों से। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर पढ़ें, और साथ साथ में बता दूं 2018 की एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी ये सारी, जैसे सीटेट में हो गया, यूपीटेट में हो गया, केबीएस में हो गया, एमपीटेट में हो गया, उसमें कहीं ना कहीं संभावना बन जाती है। अगर आप बच्चों चाहते हैं कि हम 120 विलोम शब्द की एक सीरीज लेकर आए 120 क्वेश्चन की, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, वहां पे आपको जरूर वो सीरीज लाकर दी जाएगी। और साथ साथ में बता दूं फ्री पीडीएफ आप लेने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, आपकी सहायता की जाएगी। साथ साथ में एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे चैनल में आप लोगों के लिए फ्री लाइव क्लासेस होती है 9:00 और सुबह 11:00। ये लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलती है जो एब्सोल्युटली फ्री होती है, जहां आपको पढ़ाए जाते हैं बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान और हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, साइंस आदि के सब्जेक्ट आपको वहां पे पढ़ाए जाते हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है हमारी फ्री लाइव क्लासेस सुबह 11:00 और 9:00। बच्चों किसी प्रकार का कोई कमेंट हो, क्यूरी हो, या किसी को किसी टॉपिक में कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके प्यारे प्यारे सुझाव का रहेगा मुझे बेसब्री से इंतजार। मिलता हूं आपसे फिर से एक नए वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो एक शेयर जरूर दे दीजिएगा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में एक शेयर आप इसे जरूर करें, साथ साथ में वीडियो को कर दीजिए लाइक। और चलिए मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में अगले नॉलेज के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।